क्यों कमला बसंत लोगो आ गए एक अंडररेटेड हीरो की मूवी का रिव्यू देखने? ऐसे रेटेड हीरो की तो तुम रिव्यू बहुत देख लेते हो, अंडररेटेड हीरो की तुम्हें देखने में जलती है, क्योंकि तुम जानते हो कि भाई ये बंदा एक्टिंग बढ़िया करता है, मूवी बढ़िया निकाल ले, मूवी चलती नहीं है, हो गया है अंडररेटेड। या तो कमेंट में अंडररेटेड लिख देंगे, या फिर तुम आगे कमेंट में ये बकैती करोगे कि भाई हीरो अंडररेटेड है, तुम उसका नाम पे उसको अच्छा बता रहे हो, पिक्चर खराब है तब भी। मतलब हेट फैलाना या फिर लव फैलाना फालतू का बिना मूवी देखे। तो छोड़ो ये सब की सब हेट वेट फालतू का लफड़ा से निकलते हुए मूवी के ऊपर बात कर लेते हैं। देखो बहुत ज्यादा गर्मी है, पसीना सुनाया तो इग्नोर मार देना। IB71 विदुर जम्वाल एंड अनुपम खेर की लेटेस्ट मूवी है, एंड जिसकी इस मूवी के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं कि भाई ये मूवी क्या है, किस कहानी को दिखाती है। तो भाई ये एक रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड कहानी है। इसमें कहानी दिखाई जाती है 1971 के अराउंड एक हाईजेक हुआ था इंडियन प्लेन, जिसमें 30 एजेंट थे, ऐसा पाकिस्तान कॉन्स्पिरेसी बोलती है। अब ये कितनी सच है कितनी झूठ है उस पर मैं कॉमेंट ना करते हुए मूवी का स्क्रीन प्ले एंड राइटिंग के ऊपर बात करूँ, तो मूवी की जो स्क्रीन प्ले है फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छी है, राइटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन सेकंड हाफ में वो बहुत ज्यादा डिलेड हो जाती है, बहुत स्लो फील होती है, वो इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर पाती है जितना इंपैक्ट फील होना चाहिए था। वो जितने भी इवेंट है, जो भी कहानियां दिखाई जा रही है, वो बहुत इजीली पुल अप हो जा रही है। मतलब उसमें कुछ भी पेन प्रेशर या फिर वो जो मतलब फील होता है ना, थ्रिल मिसिंग था मूवी में। ये मूवी जिस कहानी को उठाती है ना, वो कहानी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, एंटरटेनिंग है एंड बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग है, लेकिन जो इसका एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है, फर्स्ट हाफ जितना तेजी से आपको निकल जाता है, 45 मिनट का फर्स्ट हाफ है एंड वो इतना स्मूथली निकल जाता है, इतना जल्दी निकल जाता है कि आपको फील भी नहीं होता कि भाई फर्स्ट हाफ आ चुका है, इंटरवल आ चुका है, आप मुतने जा रहे हो टॉयलेट में, वो बिल्कुल फील नहीं होता, इतना स्मूथली वो निकाल देते हैं फर्स्ट हाफ। एंड जो कि मुझे अच्छा लगा पर्सनली जिस तरीके से चलता है, एंड हाँ जो इसको एक्सपेक्ट करके जा रहे हो कि भाई बहुत ज़्यादा एक्शन मिलेगा विदुर जम्वाल है, तो मूवी एक्शन ड्रिवन नहीं है, कहानी ड्रिवन है, स्टोरी ड्रिवन है। मूवी में आपको बहुत लार्ज स्केल एक्शन नहीं मिलेगा, मूवी स्टोरी पर ज़्यादा खेलती है, विदुर जम्वाल की मूवी से हट के आपको कोई भी मतलब ग्रेटर इन लाइफ या फिर किसी भी लेवल का एक्शन नहीं देखने को मिलेगा, बहुत मीडियोकर एक्शन इसमें देखने को मिलेगा। वो भी एक्शन क्या, वो हल्के फुल्के अंधेरे में वाले 2-3 शॉट्स हैं बस, वहीं है, इसमें आपको एक्शन बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन मूवी रादर देन स्टोरी ड्रिवन एंड जो सस्पेंस है, जो मिशन है, जो ये करना चाहते हैं, उसका जो पूरा सस्पेंस है वो लास्ट में जाकर रिवील किया जाता है, जिसके बारे में आपको हल्का हल्का अंदाजा लग जाता है, जो कि समवट काम करता है बहुत लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए नहीं करता है, मेरे लिए उतना काम नहीं किया। इसके साथ मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो अच्छा है, लेकिन कहीं कहीं बहुत ज़्यादा लाउड फील होता है, जो वॉइस ओवर है उसके मुकाबले जो बैकग्राउंड स्कोर बहुत ज़्यादा लाउड हो जाता है, जिसके कारण जो डायलॉग्स है, जो वो कहानी कन्वे करना चाहते हैं, बात कन्वे करना चाहते हैं, वो आप तक पहुंचती नहीं, वो बीच में कहीं गायब हो जाती है, वो क्या बोल रहे हैं, बहुत सारे वर्ड्स मिसिंग हो जाते हैं। इसके साथ कहानी एक पॉइंट से शुरू होती है, जिस पॉइंट से शुरू होती है जो कहानी दिखाई जाती है, जो चीज़ दिखाई जाती है, पहले उसका कुछ ज़्यादा महत्व आगे चल के नहीं बढ़ता, वो क्यों था, वो क्या था, उसके बारे में वो कुछ बताते नहीं है। मतलब वो आपको समझ में आएगा जब आप लास्ट में पहुंचोगे, तब आपको फील होगी हाँ ये मिशन का था। मूवी स्टार्ट बहुत पिक से हो जाती है, मतलब मूवी के स्टार्टिंग में आपको बहुत पिक लेवल एक्साइटमेंट, पिक लेवल चीज दिखाने का वादा कर दिया जाता है, लेकिन जैसे जैसे इंटरवल के बाद कहानी आगे बढ़ती है, बहुत ज्यादा फास्ट पेस्ट हो जाती है। दूसरी बात, जो वो कन्वे करना चाहते हैं, जो मिशन पुल ऑफ करना चाहते हैं, जहां पे टेंटरम होना चाहिए, थोड़ा सा प्रेशर होना चाहिए, थोड़ा सा मतलब वो सस्पेंस क्रिएट नहीं हो पाता, वो थ्रिल क्रिएट नहीं हो पाता, वो आपसे कनेक्शन नहीं बन पाता, वो आपकी हार्ट बीट तेज नहीं करवा पाता है, वो जो इंपैक्ट क्रिएट कर सकता था वो क्रिएट नहीं कर पाता है, वहां पे स्क्रीन प्ले बहुत ज्यादा ढीले हो जाता है। इंटरवल के पहले जितने स्क्रीन प्ले है, जो राइटिंग वो बहुत ज्यादा स्मूथ है, वो आपको बांध के रखती है, लेकिन जो इंटरवल के बाद वाला पूरा सीन है वो बहुत ज्यादा ढीला फील होता है, वो आपको इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर पाता है, जिसके कारण मेले मूवी फर्स्ट हाफ इज द बेस्ट एंड सेकंड हाफ बहुत ज्यादा डाउन चल जाती है फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में। एंड मैंने ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया, मैंने ये भी एक्सपेक्ट किया था भाई मूवी में थोड़े बहुत एक्शन सेट पीसेस होंगे, जो कि नहीं थे, एंड VFX ठीक ठाक है मूवी का, एंड जो कहानी उठाई जिस तरीके से दिखाया गया वो बहुत ज्यादा इजी फील हो रहा था, उतना इजी फील नहीं होना चाहिए था। मतलब आप इजिली दिखा रहे हो, आप वहां पे कोशिश कर रहे हो कि भाई हम यहाँ पे दिखाएं कि वहां पे बहुत ज्यादा उन पे प्रेशर है, वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा सहमे हुए, बहुत फुक फुक के एक स्टेप ले रहे हैं, लेकिन वो फील नहीं होता, आप दिखाना चाहते हैं लेकिन वो हमें फील नहीं होता है। जो चीज मुझे खराब लगी, क्योंकि भाई जो इसके डायरेक्टर है संकल्प रेड्डी, उन्होंने गाजी अटैक जैसी मूवी बनाई है, जो कि मूवी क्वाइट इंप्रेसिव है, जो इसका थ्रिल एलिमेंट है, जो स्क्रीन प्ले बहुत अच्छी है, लेकिन इसका जो है ये डायरेक्टर इतने अच्छे होने के बाद भी सेकंड हाफ के स्क्रीन प्ले डायरेक्टिंग बहुत ज्यादा वीक फील होती है, जिससे मैं डिसअपॉइंटेड हूं। ओवरऑल मूवी अच्छी है, विदु जम्वाल की जो एक्टिंग एक नया आप रूप देखिएगा, विदाउट एक्शन हीरो होने के बाद भी बंदगी एक्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। और एक बार अगर आप 100-150 रुपए दे के ये मूवी देखने जा रहे हो तो वर्थ वॉचिंग, अगर इससे ज्यादा पे कर रहे हो तो ये देखना वर्थ इट नहीं होगा उतना, क्योंकि मूवी में कोई ज्यादा एक्शन सेट पीसेस नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं थिएटर सेंट्रिक मूवी है, मोर देन एक OTT सेंट्रिक मूवी लगी मुझे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, रिव्यू में मजा आया हो, अच्छा लगा हो, तो भाई प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना करो, तुम जानते हो समझदार हो, पॉप कल्चर के ऑडियंस हो, तुम तो समझदार हो गई।